off to my trip for this year. I'm in a perfect way to start, and I'm late. So पहुंच गई हूँ मैं एयरपोर्ट. अब जा रहे हैं अंदर. एंड गेस वेयर एम आई ऑफ टू. कोजी कोजी सर्दी में आके इतना अच्छा लग रहा है. आई मीन एक जैकेट वाली ठंड है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है. मतलब सिंस लाइक बॉम्बे में तो बिल्कुल भी ठंड नहीं होती है, इसीलिए मुझे यहाँ की ठंड थोड़ी अच्छी लग रही है. थोड़ी नहीं, इनफैक्ट बहुत अच्छी लग रही है टू बी ऑनेस्ट. एंड अब मैं जा रही हूँ अपने होटल की तरफ. गाइस मैं एयरपोर्ट से निकल चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ अस्सी घाट, क्योंकि मेरा होटल उसी तरफ है. और आपको यहाँ से जाने के लिए तीन ऑप्शंस हैं, एक है ऑटो, एक है बस और एक है कैब. अब ऑटो जो है वो एक साथ आपको सीधे वहाँ पे नहीं पहुँचाएगा, वो रुक रुक के पहुँचाएगा. बस भी बहुत कम फ्रीक्वेंसी है, मतलब अभी तक मुझे एक भी बस अभी तक दिखी नहीं है. सो आई डिसाइडेड कि मैं कैब से ही जाऊँगी. तो आई डिड नॉट वॉन्ट टू लाइक दिस टाइम आई वॉन्टेड टू ट्रैवल लाइक अ ट्रैवलर, नॉट लाइक अ टूरिस्ट, बट आई हैड नो अदर ऑप्शन. सो अंदर एयरपोर्ट में सबको पता ही होता है एयरपोर्ट के अंदर थोड़ा महंगा बताते हैं. सो वहाँ पे आई वुड रिकमेंड, इवन इफ़ यू आर कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, डू नॉट टेक अ कैब फ्रॉम द एयरपोर्ट, बिकॉज दे चार्ज लाइक ऑलमोस्ट द डबल फ्रॉम व्हाट आई एम पेइंग हियर. आई एम पेइंग समवेयर अराउंड 550 एंड दे आस्क्ड फॉर 800-900 समथिंग लाइक दैट. तो मुझे पता था कि इसका ऑलमोस्ट, मतलब मैंने ओला पे देखा और ओला पे जितना दिखा रहा था उतना ही मैंने कोट किया. मुझे नहीं पता कि अगर इससे भी कम में मिल सकती है कैब, बट आई थिंक आई गॉट अ गुड डील. एंड अभी जो मंथ है वो है दिसंबर, आई मीन 29th ऑफ दिसंबर, एंड आई एम हियर इन वाराणसी. सो आई थिंक मेरा न्यू ईयर यहीं बनने वाला है. थिंक क्या, दैट इज़ व्हाट द प्लान इज, कि मैं न्यू ईयर गंगा जी के साथ मनाऊंगी. वृंदा और तनु कल आ रहे हैं, तो आज मैं पहले आई हूँ क्योंकि उनकी सुबह की फ्लाइट थी और मुझे सुबह बिल्कुल नहीं उठना था. तो मैंने सोचा कि मैं एक दिन पहले आ जाती हूँ, शानी बन रही थी मैं ज़्यादा. नाउ आई एम मिसिंग देम ऑलरेडी, बट ठीक है, कल सुबह तक की बात है. और मैंने ना कुछ ट्राई किया है, मैं कभी हॉस्टल में नहीं रुकी हूँ, कभी भी नहीं, हमेशा होटल्स में रुकी हूँ. सो दिस टाइम आई एम गोना ट्राई मूस्टाश. बहुत फेमस हॉस्टल है जो मैंने सुना है हर जगह, मनाली में बहुत सुना है, और मतलब जहाँ पे भी मैं जाती हूँ मैंने इस हॉस्टल के बारे में बहुत सुना है, इस हॉस्टल के बारे में बहुत सुना है. सो मैं दो जगह मैंने रिजर्वेशन किया है, एक है गोस्ट स्टॉप, एक है मूस्टाश. ना मुझे दोनों में से जो भी ज़्यादा अच्छा लगेगा मैं वहाँ पे रुकने वाली हूँ. एट द सेम टाइम आई एम लुकिंग आउटसाइड. कितना मन था मेरा इतने टाइम से कि मुझे बनारस आना है, मुझे बनारस आना है, और इतना इतना फिल्मी लग रहा है मुझे, एकदम ऐसा लग रहा है कि वो अंजना हुआ मैं तेरा वाली फील आ रही है मुझे. Oh God! Now I will make a very good vlog. Please do not forget to like, share, and subscribe. In between, I am saying this because इसके बाद बहुत सारी exciting चीजें आने वाली हैं. तेरा गाना को भी लगाते नहीं हैं क्या? अच्छा, तो बिना गाने सुने आप ऐसे ही चुप-चुप गाड़ी चला लेते हो? हाँ, गाना चलता है तो हम कुछ चलते हैं. अच्छा अच्छा. जा रहे हैं वहाँ का ₹1,50 अच्छा, तो आप किसी को लेके चले जाओ. दो घंटे से वहाँ खड़े थे, अभी खड़े रहते और देखते हाँ ये वजह है, इसलिए आप जा रहे हैं वहाँ का. अगर आप डालेंगे कि इतना भाड़ा है तो इतना भाड़ा वहाँ का नहीं है. देवी और सज्जनों, आप लोगों ने सुनी लिया है कि आई जस्ट गॉट लकी. तो अगर आप लोग भी इस तरीके से लकी हो गए तो मिल जाएगी इतनी में डील, नहीं तो फिर आपको जो सब लोग पे करेंगे वही पे करना होगा, एंड यू विल हैव नो अदर ऑप्शन. आई रीच
reached my hostel. I mean, not hostel exactly. The name was Moustache. और मैंने बहुत सुना है मूस्टाश के बारे में और मैं हमेशा वहाँ पे रुकना चाहती थी, मगर मैंने कभी एक हॉस्टल में रुकने के बारे में कभी सोचा नहीं. आई डोंट नो व्हाई मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा था, बिकॉज़ आई हैड सो मच फन. हमने गाना गाए डांस किया, शेर व शायरी एंड व्हाट नॉट. फ्यू क्लिप्स आर देयर जो मैं रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि बाकी टाइम तो मैं मस्ती कर रही थी. सो यू कैन हैव अ ग्लिम्स ऑफ इट. मगर अगर आपको एक्सपीरियंस करना है, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ज़रूर एक हॉस्टल में रुके. यू विल जस्ट हैव अनफॉरगेटेबल मेमोरीज फॉर लाइफ टाइम. मैं यहाँ बैठी हूँ अभी फ़िलहाल, अभी आई हूँ, अभी तक बाहर थी. अभी इतनी ठंड हो रही है, ये कंबल लेना पड़ रहा है. फिर वजा क्या हुई इंतजार की, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, और महबूब का जो उसमें